देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, बहुलक निकालना है इसका भी। तो अभी हम बता चुके हैं बहुलक किस तरह से निकलेगा। पहले हम लोग बहुलक का फॉर्मूला लिख देंगे। बहुलक आप लोग उड़ के बताइएगा फॉर्मूला, कहिएगा सर एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बटे प्लस टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुणे एच। हमको बहुलक निकालने से पहले क्या करना है, एल का पता कर लेना है, एफ वन पता कर लेना है, एफ जीरो पता कर लेना है, एफ टू पता कर लेना और एच पता कर लेना। ये सारा चीज पता करने के बाद हम लोगों को बहुलक आराम से निकल जाए। तो सबसे ज्यादा बारंबार था किसका भैया, तो बोलेगा सर इकसठ। इकसठ से बड़ा कोई बारंबार था यहाँ पे नहीं है। तो जो सबसे ज्यादा बारंबारता रहेगा उसको एफ वन मानेंगे। एफ वन के जस्ट ऊपर वाला बारंबारता को हम लोग एफ जीरो मानेंगे, एफ वन के जस्ट नीचे वाले को एफ टू मानेंगे। यहां तक तो करने को प्रोफेसर नहीं करना है, कुछ करना है नहीं। अब देखो, तब जिस जिसका बारंबारता ज्यादा है उस वर्ग को हम बहुलक वर्ग कहते हैं। तो इकसठ से ज्यादा बारंबारता नहीं है तो इस वर्ग को हम लोग बहुलक वर्ग कहें। यानी क्या होता है, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, निम्न सीमा 60, उच्च सीमा 80। तो बहुलक वर्ग का निम्न सीमा एल बराबर 60। एच क्या होता है, बहुलक वर्ग का अंतराल। अंतराल देखिए इन दोनों के बीच कितना अंतराल है, 20 का 20 का 20 का। तो यही होता है एच 20। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इस पे हम मान पुट कर देंगे। एल का मान 60 है तो 60 प्लस एफ वन का मान कितना है 61 माइनस एफ जीरो का मान कितना 52 बटे टू गुणे एफ वन। एफ वन का मान माइनस एफ जीरो 52 माइनस एफ टू 38 इंटू एच। एच कितना है 20। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे। सोल्व क्या करेंगे, 60 प्लस 52 में 61 में से 52 जाएगा 9 बचेगा। ओके, 61 दूनी 122 माइनस इस दोनों को ऐड करेंगे, 8 2 10 को सुनना बाकी है, 5 4 9 90 अगुना 20 60 प्लस 180 20 गुना 9 180। 122 में 90 जाएगा तो 132 आएगा। 132 122 में 90 गया तो बचा कितना 32। काटना पीटना है, इसका आधा 90 हो जाएगा, इसका आधा 16 होगा, इसका आधा 45 होगा, इसका आधा 8। 60 प्लस 45 बटे 8। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये तो 60 तो जो है ये है प्लस 45 बटे 8, तो इसको पॉइंट में बदलना है। 8 5 40 के 40 हो गया, बचा कितना 5। 8 6 48 दो बचेगा, 8 2 16 8 5 40 तो ये 65.625। यहाँ पे देखिए एक नंबर क्वेश्चन जो अभी बताएं उसमें से माध भी कह रहा था निकालने के लिए, लेकिन हम ध्यान नहीं दिए तो हम उसका अभी माध निकाल के दिखाते हैं। ठीक, स्टॉप।